नियमों के में कहीं अगर कोई अड़चन आती है तो उस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर मेरा नाम स्वामी बालमुकुंदाचार्य महाराज है तो मैं कोई कार्य करता हूँ तो उस नाम से करूँ, वही उचित है। नाम सलीम हो और नर राम के नाम से काम करूँ, लोगों को उस बात का भ्रम पैदा करके कुछ ऐसा काम करूँ तो नहीं करना चाहिए। कि एक तो श्रावण मास में जो हमारे फल विक्रेता हैं, हमारे कोई सामग्री ऐसे विक्रेता हैं, वो लोग अपना एक्चुअली नाम भी लिख लें। कावड़ यात्राओं के समय में उस मार्ग में मदिरा की दुकानें और मांस की दुकानें बंद रहे, ये मेरी मांग रहेगी। मैं स्वागत करता हूँ हमारे आदरणीय आदित्यनाथ योगी मुख्यमंत्री महोदय और यूपी सरकार का। भारत में सभी धर्मों का सम्मान है, सबके प्रति आदर है और सबकी पूजा प्रार्थना पद्धति अपनी अपनी है। हमारे यहाँ भगवान शिव का ये पर्व, ये श्रावण मास बहुत पुनीत और पवित्र मास है जिसमें हम लोग सभी आराधना शिव की करते हैं। उसमें हम सबके नियम बड़े रहते हैं, उन नियमों के में कहीं अगर कोई अड़चन आती है तो उस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है। और उसी क्रम में अगर कोई फैसला लिया जा रहा है तो अच्छी बात है, स्वागत है, करना चाहिए सबको। सबके धर्मों का हम सम्मान कर ही रहे हैं। आप सरकार को भी इस तरह का फैसला लेना चाहिए। मैं प्रारंभ से ये कह रहा हूँ कि जब विशेष दिवस तिथि उत्सव होते हैं, भले एकादशी होती है, पूर्णिमा होती है, मंगलवार होता है, इन पर भी मांस की दुकानें बंद रहनी चाहिए, खुले में मांस बिकना नहीं चाहिए। और जो बेचने वाले हैं कोई भी सामग्री, उसको अपना सच नाम सच्चाई लिखनी चाहिए। उसको ये नाम परिवर्तन के काम करने का काम का मतलब है कि कुछ गड़बड़ है। अगर मेरा नाम स्वामी बालमुकुंदाचार्य महाराज है तो मैं कोई कार्य करता हूँ तो उस नाम से करूँ, वही उचित है। बल्कि मैं नाम सलीम हो और नर राम के नाम से काम करूँ, लोगों को उस बात का भ्रम पैदा करके कुछ ऐसा काम करूँ तो नहीं करना चाहिए। मेरा तो इसमें स्वागत है, ऐसा होना ही चाहिए, इसमें बुराई नहीं है। जो व्यक्ति का जो काम है, वो काम के पर जो अपना नाम अंकित करता है, वो नाम उसका जो एक्चुअली है, वो उसको लिख के काम करना चाहिए। क्या राजस्थान सरकार को भी ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल, मैं अपनी ओर से राजस्थान सरकार करेगी या नहीं करेगी, लेकिन मैं अपनी ओर से, मैं राजस्थान सरकार को एक सनातनी होने के नाते, अखिल भारतीय संत समिति राजस्थान अध्यक्ष होने के नाते और एक आम नागरिक होने के नाते मैं सरकार को निवेदन करूंगा कि एक तो श्रावण मास में जो हमारे फल विक्रेता हैं, हमारे कोई सामग्री ऐसे विक्रेता हैं, वो लोग अपना एक्चुअली नाम भी लिख लें, क्या चीज़ क्या नाम से वो अपना काम कर रही है, बताएं सच। दूसरा, उन दिनों में कावड़ यात्राओं के समय में उस मार्ग में मदिरा की दुकानें और मांस की दुकानें बंद रहे, ये मेरी मांग रहेगी। और प्रदेश को और सोमवार को पूर्णतः बंद रहे, ये भी मेरी मांग रहेगी। फल की जो दुकानों के लिए आपने कहा है, तो ये सावन मास में ही रहेगा या हमेशा होना चाहिए? जो अगर सलीम नाम का फल बेचता है या राम नाम का फल बेचता है तो राम फल विक्रेता लिखे, सलीम है तो सलीम फल विक्रेता लिखे, उसमें आपत्ति क्या है? सब लोग आपस में लेते ही हैं एक दूसरे से, लेकिन नाम छुपाने की जरूरत क्या है? जो नाम है वही नाम लिख के बेचे तो अच्छी बात है, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो सलीम लिख के बेचे। ऐसा कई जगह पाया जा रहा है कि जब हम पेटीएम करते हैं, एटीएम करते हैं, तो एटीएम पेटीएम में तो नाम कुछ और आता है, और जब हम खरीदते हैं उससे तो उसका लिखा राधे फल भंडार होता है। तो ये थोड़ा सा विचारणीय बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्या कारण है, अपनी आइडेंटिटी छुपाने में क्या है? आप जो हैं वही बताओ ना, इसमें आपत्ति क्या? लेते ही है ना, लेते ही आ रहे हैं हम लोग, फल वाले हैं, सब्जी वाले हैं, सब हमारे परिवार के ही हैं, करते ही हैं वो काम अपना, हमें उससे आपत्ति नहीं है, किसी से भी हम ले सकते हैं। लेकिन वो अपना आइडेंटिटी छुपाए नहीं, जो नाम है वही नाम अंकित करे, उसका ज्यादा स्वागत है।